चलो इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां आज से होगा विधानसभा सत्र शुरू। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा सत्र शुरू होगा। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विपक्ष से अपील की, सत्र में सकारात्मक मुद्दे उठाने की अपील की गई है। सत्र में हल्ला बोल को ना बस बनाए, और ये मंत्री ने ये कहा, मंत्री जी ने कहा है कि सत्र में हल्ला बोल को ना बनाया जाए हिस्सा, क्योंकि आमतौर पर देखने को मिलता है कि सत्र शुरू होते ही जो है आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। तो मंत्री जी ने विशेष कर कहा है कि सत्र में हल्ला बोल को ना बनाया जाए हिस्सा। वहीं आज से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा सत्र। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विपक्ष से की अपील, सत्र में सकारात्मक मुद्दे उठाने की अपील की है, साथ ही सत्र में हल्ला बोल को ना बनाया जाए हिस्सा, ऐसा मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आग्रह किया है। क्योंकि आज से उत्तराखंड विधानसभा सत्र शुरू होगा, और लिहाजा जब देखा जाता है कि सत्र की शुरुआत होती है तो जो है पक्ष विपक्ष वाद विवाद की स्थिति ज्यादा देखने को मिलती है और मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाती। तो ऐसे में मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विपक्ष से जो है विशेष अपील की है कि सत्र में हल्ला बोल को हिस्सा ना बनाया जाए, शांतिपूर्वक जो है सत्र की शुरुआत हो। तो बड़ी खबर आपको हम देहरादून से बता रहे हैं, उत्तराखंड के देहरादून से, जहां आज से होगा उत्तराखंड विधानसभा सत्र शुरू। बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है, और मंत्री बहुगुणा ने इस पर इस बार जो है विशेष आग्रह किया है विपक्ष से कि सत्र को शांति पूर्वक बनाए रखें, किसी भी प्रकार का हल्ला बोल इसमें ना शामिल हो। चलिए इसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जुड़ चुके हैं। अवनीश, आज से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र जो है शुरू होने जा रहा है, और एक बात इसमें देखी जाती है कि जब भी विधानसभा के सत्र शुरू होते हैं तो कई प्रकार के वाद विवाद की स्थिति हो जाती है, काफी हल्ला बोल होता है, और इस पर मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विशेष आग्रह किया है, विशेष अपील की है विपक्ष से कि इस बार जो है शांतिपूर्वक सत्र की शुरुआत हो, किसी प्रकार का हल्ला बोल का हिस्सा ना हो सत्र में। जी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? अश्मिता, अगर बात करें शीतकालीन सत्र का जो है आगाज हो चुका है, आज जो है 11 बजे जो है सत्र शुरू हो जाएगा। इसके लिए बाकायदा जो है कल जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने कार्य मंत्रणा की बैठक भी की थी, उसमें तमाम चीजों को जो है यहाँ पे सबसे उन्होंने जो है निवेदन भी किया था कि जो सत्र है उसको जो है शांतिपूर्ण ढंग से जो है चलने दिया जाए, अपनी बात को आप बदल कर रखिए, ये तमाम चीजों को लेकर। परंतु जो अभी हमारे कयास लगाए जा रहे हैं वो आज जो विधानसभा सत्र जो है वो हंगामेदार होने जा रहा है, क्योंकि अभी जो है अगर बात करें तो जो अनुपूरक बजट है वो 4867 करोड़ का जो है अनुपूरक बजट यहाँ पे पटल पे रखा जाएगा। परंतु उससे पहले जो अगर बात करें विपक्ष की, तो नेता प्रतिपक्ष की जो बात है, कांग्रेस की बात है, तमाम जितने भी क्षेत्रीय दल है, और खास करके अगर बात करें ऑटो विक्रम यूनियन, इन तमाम लोग जो है ये लामबंद होकर आज जो है विधानसभा कूच की इन्होंने पहले ही आह्वान किया हुआ था, पूरे शहर में चक्के जाम की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो ये विधानसभा सत्र है ये कहीं ना कहीं हंगामेदार होना है। हालांकि जो मंत्री सौरभ बहुगुणा है उन्होंने बाकायदा सभी मंत्रियों से अपील की थी कि आप जो है सत्र के अंदर जो है ये कोई हल्ला बोल वाली स्थिति पैदा ना होने दे और जो सत्र है उसको सुचारू रूप से चले। परंतु अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है आज सत्र को चलने दिया जाए। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर हमने आपको उत्तराखंड से बताई, जहां आज से जो है विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, शीतकालीन विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, और लिहाजा मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस सत्र से पहले जो है विपक्ष से विशेष अपील की है कि सत्र में सकारात्मक मुद्दे उठाने की उन्होंने अपील की है।